नमस्कार दोस्तों, द क्लिक शो के इस वीडियो में आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं लालटेन की कहानी। प्रकृति ने भले ही समय का आधा हिस्सा अंधेरे के लिए अलग कर रखा हो, लेकिन मनुष्य हमेशा से रोशनी के लिए बेताब रहते देखे गए हैं। आदिकाल में इंसान रात को खुले आसमान की ओर एकटक देखते रहते हुए चांद तारों की रोशनी से सराबोर होते थे। सुना है कि अफ्रीका के आदिवासी जालीदार डिब्बों में जुगनों को बंद कर उसकी रोशनी का आनंद लिया करते थे, लेकिन इतने कम रोशनी से भला कैसे काम चलता। इसलिए रोशनी के नए नए साधन की खोज होती रही और खोज की इस कड़ी में एक क्रांतिकारी कदम था लालटेन का आविष्कार। आज जो लालटेन हमें अनुपयोगी और बाबा आदम जमाने की लगती है, करीब 150 वर्ष पहले वो विज्ञान के लिए एक चमत्कार माना गया था और वो था भी। दरअसल हम अत्यधिक मशीनीकरण के कारण छोटी चीजों में छिपे उस विज्ञान को भूल रहे हैं जो एक समय एक बहुत बड़ी खोज के रूप में स्थापित हुआ था। द क्लिक शो के इस वीडियो में हम प्रस्तुत करते हैं उसी लालटेन की आविष्कार की कहानी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए हमारा सपोर्ट जरूर करें। इंसान लालटेन से पहले दीपक या मशाल का प्रयोग करते थे, जिसे हवा से बचाना मुश्किल होता था। बाद में लैंप का आविष्कार हुआ, जिसे हवा से बचाने के लिए कांच की चिमनी लगाई गई, लेकिन वो भी तेज हवा में बुझ जाते थे, जो एक बड़ी समस्या थी। उसके बाद सन 1858 में माइकल ए डिट्स ने लैंप का वर्जन को अपग्रेड करते हुए हवा बचाने वाला एक प्रभावी मॉडल को आविष्कार किया, तो पूरी दुनिया दांतों तले उंगली दबा ली। इसके ठीक 15 साल बाद 1873 में जॉन एच इरविन ने उसी सिद्धांत पर आधारित जिस उपकरण का आविष्कार किया, उसे आज हम हमारी प्रिय मिट्टी के तेल से जलने वाली लालटेन के रूप में देखते हैं। रोशनी देने वाली इस बेहतरीन आविष्कार को लालटेन नाम हम हिंदुस्तानियों द्वारा दिया गया, जबकि इसका असली नाम हरिकन लैंटर्न है। यह नाम उसकी तेज हवा को सहने की शक्ति के कारण दिया गया। पहले लालटेन का हॉट ब्लास्ट मॉडल आया था, जिसमें गर्म हवा दोबारा दहन में प्रयोग की जाती थी। बाद में कोल्ड ब्लास्ट मॉडल लाया गया, जो बेहतर दाहक होने के कारण ज्यादा कारगर साबित हुआ। यह लालटेन का डिजाइन एक करिश्मा है, जिसमें मुख्यतः चार हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर वेंटिलेशन सिस्टम होता है, जो जलने से उत्पन्न गर्म हवा को बाहर निकालता है और ठंडी हवा को खींचकर नीचे भेजता है। उसके बाद लौ को हवा से बचाने वाली कांच की चिमनी आती है, जो वायर मैकेनिज्म सिस्टम द्वारा ऊपर नीचे की जा सकती है। फिर आता है वर्नर, जिसमें दहन हेतु बत्ती और एडजस्टमेंट नॉब लगी होती है। बर्नर में हवा लालटेन के आजू बाजू स्थित दो एयर स्टेबिलाइजर से आती है। लालटेन के बगल में जो दो पाइप आप देखते हैं, वो ऊपर से हवा नीचे लाने के लिए लगाए गए हैं। सबसे नीचे आती है टंकी, जो कि दो हिस्सों में बटी होती है। पहले भाग में एयर स्टेबिलाइजर से हवा आती है और बर्नर तक सुरक्षित आंतरिक छिद्रों द्वारा पहुंचाई जाती है। दूसरे भाग में मिट्टी का तेल भरा होता है, जिसमें बत्ती डूबी रहती है। ये बत्ती चपटी और सरंध्र होती है, ताकि अधिक चौड़ी और चमकदार लौ प्राप्त की जा सके। इस बत्ती का आविष्कार भी वर्षों के प्रयोग के बाद हुआ था। पहले धागे नुमा बत्ती ही उपयोग में आती थी, जिसमें गुल जमने की समस्या होती थी। चपटी बत्ती में यह समस्या खत्म हो गई। लालटेनों की कार्यकुशलता मिट्टी के तेल या केरोसिन में बेहतर होती है। पेट्रोल या डीजल अत्यधिक दहनशील होने के कारण उसमें विस्फोट की संभावना बनी रहती है, और वनस्पति तेल गाढ़ा होने के कारण उसमें धुआं ज्यादा निकलता है। लालटेन का पहला सफल मॉडल बनने के बाद माइकल ए डिट्स के भाई ने दुनिया की सबसे बड़ी लालटेन बनाने वाली कंपनी की स्थापना की थी, जो आज भी कायम है। इन लालटेनों में बस एक ही समस्या थी कि ये टेढ़ी होने पर बुझ जाती थी। दोस्तों, भले ही हम अब इन्हें अपने जीवन से बाहर कर चुके हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के एक बड़े हिस्से में आज भी लालटेन रोशनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है। और जितना किरोसिन सारी दुनिया के हवाई जहाज साल भर में इस्तेमाल करती है, उतना ही लालटेन जलाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो देखा आपने, साधारण लालटेन का विज्ञान भी कितना गंभीर है और उसे बनाने में कितने वर्ष लगे थे। अब जब भी आप लालटेन देखेंगे, तो इसके आविष्कार का लोहा जरूर मानेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।